इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। थियोस्टालिन टैबलेट को चिकित्सक द्वारा परामर्श के अनुसार किसी डोज और अवधि में आहार के बिना लिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिति और दवा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। जब तक आपका डॉक्टर सिफारिश करता है तब तक आपको इस दवा को लेते रहना चाहिए। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ दवाएं इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आर मिचली आना, उल्टी, पेट खराब होना, बेचैनी, सिर दर्द, कंपन, मांसपेशियों में ऐंठन और धड़कन। इनमें से अधिकांश अस्थायी हैं और आमतौर पर समय के साथ ठीक हो जाते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में चिंतित हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इससे चक्कर आ सकते हैं, इसलिए ड्राइव न करें या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवश्यकता हो जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे आपका चक्कर आना खराब हो सकता है। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको किडनी या लिवर की कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि आपका डॉक्टर आपके लिए उपयुक्त खुराक निर्धारित कर सके। यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए। थियोस्टालिन टैबलेट के लाभ। दमा का इलाज। अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके वायुमार्ग संकीर्ण हो जाते हैं और परिणामस्वरूप सांस लेना मुश्किल हो जाता है। थियोस्टालिन टैबलेट आपके वायुमार्ग को चौड़ा करके आसान सांस लेने में मदद करता है। यह आपके सीने में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट और खांसी जैसे लक्षणों से भी राहत देता है। नियमित व्यायाम और योग समग्र स्वास्थ्य में सुधार के अलावा लंबे समय में अस्थमा के लक्षणों को सुधारने में मदद कर सकते हैं। थियोस्टालिन टैबलेट के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। थियोस्टालिन के सामान्य दुष्प्रभाव। जी मिचलाना, झटके, सिर दर्द, धड़कन, मांसपेशी ऐंठन, गले में जलन, श्वसन तंत्र के संक्रमण, श्वसन पथ की सूजन, खांसी, अतालता, अनियमित दिल की धड़कन, टैकाकार्डिया, चक्कर आना, रक्त में पोटेशियम का स्तर कम होना, घबराहट, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, तंद्रा, निस्तब्धता, चेहरे, कान, गर्दन और धड़ में गर्माहट का एहसास, पेशाब करने में कठिनाई। थियोस्टालिन टैबलेट का उपयोग कैसे करें? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, क्रश या तोड़ें नहीं। थियोस्टालिन टैबलेट को खाली पेट लेना है। थियोस्टालिन टैबलेट के साथ कैफीन और चॉकलेट के साथ साथ कैफीन और चॉकलेट युक्त आहार जैसे कि चाय पत्ती, कोको बीन्स के सेवन से परहेज करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।